अभिषेक बच्चन लड़ेंगे मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव। मध्य प्रदेश की सियासत में आया भूचाल। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है और इसकी मुख्य वजह यहां से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, जिसमें किसी बड़े अभिनेता को सपा अपना चेहरा बना सकती है। जानकारी के मुताबिक खजुराहो लोकसभा सीट पिछले दो दशक से भाजपा के कब्जे वाली सीटों में गिनी जाती है और यहां से फिलहाल प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा सांसद है और भाजपा ने उन्हें दोबारा टिकट देकर रिपीट किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सोशल मीडिया में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ जूनियर बच्चन उर्फ अभिषेक बच्चन की फोटो वायरल हो रही है, जिससे ये कयास लगाया जा रहा है कि वो खजुराहो से भाजपा के खिलाफ बड़े चेहरे हो सकते हैं और ऐसा यदि हुआ तो कहीं न कहीं सांसद विदी शर्मा को खड़ी चुनौती मिल सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि खजुराहो लोकसभा सीट में 20 लाख से अधिक मतदाता है, जो 3 जिलों की 8 विधानसभाओं में निवासरत है और इसमें कटनी, पन्ना और छतरपुर शामिल है, लेकिन सब में महत्वपूर्ण भूमिका कटनी निभाता है, क्योंकि कटनी जिले में 4 विधानसभा सीट है, जिसकी बड़वारा सीट शहडोल लोकसभा में आती है, तो वही मुड़वारा, बहोरी बंद और विजय रायगढ़ विधानसभाएं खजुराहो लोकसभा में शामिल है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।